आमतौर पर लोग अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं और उन्हीं में से एक है फोम के गद्दे, जिसका इस्तेमाल मैक्सिमम हर घर, गेस्ट हाउस, होटल के रूम और शादी पार्टियों में सोने बैठने के लिए करते हैं, जो बहुत ही आरामदायक होता है, जिसकी मार्केट में हमेशा मांग बनी रहती है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग शुरुआत में समझे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले कैसे फोम के गद्दों का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करके महीने की लाख रुपए तक इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी दोस्तों करना चाहते हो कम लागत में अधिक मुनाफे वाला बिजनेस, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे आप फोम को गद्दों का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो, उससे अच्छी खास इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें बात करें, अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको इसमें शुरुआत में लागत में कितना इन्वेस्ट करना होगा, कितना आप इससे मुनाफा कमाएंगे, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस चाहिए होंगे, कहाँ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, गद्दे बनाने के लिए आपको किस प्रकार के मटेरियल की जरूरत होगी, कौन कौन सी मशीनरी आपको चाहिए होगी, कौन से गद्दे आपको बनाने चाहिए, इसे मार्केट में कैसे और कहाँ पर सेल करना है, गद्दों की मार्केट में डिमांड क्या है, कितना आपको स्टाफ चाहिए होगा, इस बिजनेस को चलाने का सबसे आसान और सही तरीका क्या है, ऐसे ही दोस्तों कई सारे जरूरी पॉइंट के ऊपर आज हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ सके। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप? स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन पे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे फोम के गद्दों की मार्केट में डिमांड। देखिए दोस्तों, फोम के गद्दों की मार्केट डिमांड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में गद्दों का मार्केट पिछले 5 सालों में 11% की ग्रोथ से बढ़ा है, जिसकी मांग पहले जहां सिर्फ कुछ ही जगहों पर थी, वो आज पूरे भारत में सभी राज्यों में है। क्योंकि कपड़े की दरी या फिर चादर के मुकाबले गद्दे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जो आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पॉलीयुरेथेन फोम, मेमोरी फोम और फोम लेटेक्स, जिसके कई फायदे हैं, जैसे सोते समय पोजिशन को सही और आरामदायक बनाना, बॉडी पेन से राहत और धूल मिट्टी को कम करना, जिससे इन्हें जल्दी जल्दी वॉश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आसानी से साफ हो जाते हैं। जिस वजह से आज आपको हर रिहायशी बिल्डिंग, घर, टूरिस्ट प्लेस एरिया के होटल, शहरों और गांव देहात के घरों में भी फोम के गद्दों का इस्तेमाल बढ़ा है हो रहा है, जिसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे लोगों की चीजों में बदलाव हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप शुरुआत में गद्दे की मार्केट रिसर्च भी करके लोगों की डिमांड, चॉइस, सही जगह, गद्दे की कौन सी क्वालिटी ज्यादा बिकती है, गद्दे का मटेरियल, मशीन, सप्लायर की डिटेल जैसी सभी जानकारी लेकर बिजनेस प्लान करके जब शुरुआत कर सकते हैं, ना कि हमारे कहने से शुरू करें। इसलिए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उसकी मार्केट रिसर्च भी जरूर कर लें। पॉइंट नंबर 2, फोम के गद्दे बनाने के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जगह की जरूरत। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जगह आपके बिजनेस के आधार पर आपको तय करनी होगी। आप कितने बड़े या फिर छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर जगह लेनी होगी। इसमें कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए होगा, ताकि उसमें सभी मशीन, काम करने के लिए जगह, स्टोर रूम, पैकिंग के लिए जगह और ऑफिस जैसे सभी चीजों का सेटअप आसानी से किया जा सके, जो आपका शहर की मेन मार्केट के आसपास, सड़क हाईवे के नजदीक, इंडस्ट्री एरिया या ज्यादा आबादी वाले या मार्केट के 1 किलोमीटर की रेंज में जगह रेंट पे लेके शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको कैपेसिटी के हिसाब से 20 किलोवाट का बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भी चाहिए होगा। साथ ही ये भी देख ले प्लांट तक पहुंचने के लिए सही सड़क हो, ताकि छोटी बड़ी गाड़ियां आसानी से आ जा सके और सप्लाई और मटेरियल लाने में आपको परेशानी ना हो। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गद्दे बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और इक्विपमेंट मशीनरी की जरूरत। देखिए दोस्तों, गद्दे बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पे आपको रिलैक्स फॉर्म, कॉटन फैब्रिक रोल, मेमोरी फॉर्म, किल्ट फैब्रिक, ग्लू और धागे की जरूरत पड़ेगी। वही मशीनरी की बात करें तो इसमें आपको सेमी और फुली ऑटोमेटिक मशीन मार्केट के अंदर मिल जाएगी, जो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसमें आपको सीटेक लूपर हेड के साथ ऑटोमेटिक टेप एज मशीन, जुकी मशीन, हैंड फोम कटर, क्लॉथ कटर, कंप्रेसर और बेसिक चीजें जैसे कि टूल्स, टेबल, चेयर, फैन, एसी की जरूरत पड़ेगी, जो आपको पास की मार्केट से या सप्लायर से आपको आसानी से मिल जाएगा, जहां पर आपको कच्चा माल भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन लेने से पहले सभी जगह से कच्चे माल के सैंपल और मशीन के रेट ले लें, उसके बाद फाइनल रेट करके खरीदारी करें, जिन्हें आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन साइट के जरिए से भी खरीद सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंडिया, जस्ट डायल डॉट कॉम, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट जैसी कई साइट्स हैं, जहां पर आपको हर शहर के डीलर, मैन्युफैक्चरर, सभी की डिटेल मिल जाएगी, जहां से आप आसानी से कॉन्टेक्ट करके कच्चा माल और मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब यहाँ पे बात करें तो गद्दे बनाने के बिजनेस की अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिजनेस को एक अलग पहचान देने और कानूनी रूप से लंबे समय तक बिजनेस को चलाना है तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाकर रखने होंगे, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, अपने एरिया की नगर पालिका से ट्रेड लाइसेंस, खुद का ब्रांड है तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, रेंट एग्रीमेंट,
और राज्य प्रदूषण बोर्ड एंड अग्निशमन डिपार्टमेंट से एनओसी सर्टिफिकेट, तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है जिन्हें आप जरूर बनवा लें जो आपके बिजनेस के लिए अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 5, फॉर्म के गद्दे बनाने की प्रक्रिया और उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत। फॉर्म के गद्दे बनाने के लिए सबसे पहले ऑर्डर के और डिमांड के अकॉर्डिंग फॉर्म को अलग अलग साइज में काट लिया जाता है। इसके बाद मेमोरी फॉर्म की लेयर को रिलैक्स फॉर्म पर ग्लू लगाकर आपस में चिपका दिया जाता है। इसके बाद फिर गद्दे के साइज के हिसाब से किल्ट के कपड़े को काट कर किल्ट बनाया जाता है, जिसके बाद इस पर सिलाई मशीन की मदद से गद्दे के किल्ट को सिल दिया जाता है। अब आपका गद्दा तैयार है। इसकी क्वालिटी चेक की जाती है और सब कुछ सही होने के बाद फिर इसकी पैकिंग करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इसके लिए आपको शुरुआत में कम से कम 4 से 5 स्टाफ रखना होगा, जिसमें एक हेल्पर, कारीगर, एक सुपरवाइजर शामिल है। इसके अलावा आपको भी गद्दे बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप भी माल की गुणवत्ता की जांच कर सको, कैसी क्वालिटी है, कितना प्रोडक्शन है, मशीनों और स्टाफ सभी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, जैसी सभी जानकारी आपको होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको गद्दे बनाने की जरा भी जानकारी नहीं है तो आसपास की गद्दे बनाने कंपनी में जाकर आप वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं, इस काम को सीख सकते हैं और उसके बाद आप आसानी से बिजनेस को कर पाओगे और चला पाओगे। पॉइंट नंबर 6, अब दोस्तों में बात आती है गद्दे तैयार करने के बाद इसको मार्केट में कैसे और कहां पर सेल करें। तो देखिए दोस्तों, गद्दे तैयार करने के बाद इसको सेल करने के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ग्राहक आपको ढूंढते हुए खुद पहुंच जाएंगे, क्योंकि गद्दों की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन शुरुआत में आप अपने प्रोडक्ट की अच्छे से सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग करें, प्रमोशन कराएं, न्यूज़पेपर में ऐड दें, एरिया के चौक चौराहे, हाईवे, गली नुक्कड़, मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के आसपास में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगवाएं, जिससे आते जाते लोगों की नजर पड़ती रहे, जिसकी मदद से ग्राहक आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, इंडियामार्ट.com जैसी साइट्स पर बिजनेस पेज बनाकर गद्दे की फोटोज, वीडियोस के जरिए लोगों को डायरेक्ट भी गद्दे सेल कर सकते हैं और वहां से आप ऑर्डर ले सकते हैं। बाकी आप खुद भी अपने प्रोडक्ट की डिटेल सैंपल लेकर शहर भर की फर्नीचर शॉप, शोरूम के मालिक, होलसेलर, रिटेलर से कॉन्टेक्ट करके मार्केट से कम दामों में बेहतर क्वालिटी में गद्दे सप्लाई करके सेल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास गद्दों की खरीदारी ज्यादा होती है। ऐसे में आप अच्छी क्वालिटी और शॉप तक सप्लाई की सुविधा दोगे तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, सप्लाई लेंगे। बस ध्यान रहे, जितनी बेहतर आपकी क्वालिटी आप दोगे उतना ज्यादा आपका माल सेल होगा। बाकी ज्यादा सेल करें, आप खुद की दुकान खोलकर भी रिटेल में सेल कर सकते हैं और इनकम आप बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अब यहाँ पे बात कर रहे थे फॉर्म के गद्दे बनाने के बिजनेस की। अगर आप शुरुआत करते तो आपकी शुरुआत में इसमें लागत कितनी आएगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, गद्दे बनाने के बिजनेस में आपको शुरुआत में 8 से 10 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। इसमें आपके सभी मशीन, रॉ मटेरियल और पूरा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप किसी सरकारी योजना के तहत बिजनेस लोन लेकर या कम ब्याज पे पैसे लेकर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं मुनाफे की बात करें तो मार्केट में अलग अलग क्वालिटी और साइज के हिसाब से गद्दे मिल जाएंगे, जिनकी कीमत नॉर्मली 2000 से लेकर 7000 तक जाती है। हालांकि इससे महंगे महंगे भी गद्दे मार्केट के अंदर मौजूद है, जिसमें आपको एक गद्दे पे आराम से 40 से 50% तक का मार्जिन बच जाता है, जो लोकल ब्रांड में सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपकी क्वालिटी मार्केट में सबसे बेहतर है तो आप इससे लाखों रुपए तक महीने की कमाई कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जो आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे आप फॉर्म के गद्दे बनाने के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक अपने ख्याल रखिए, अच्छे रहेगा।